इस समाचार के प्रायोजक है स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट किराना जनरल स्टोर राम शांति विद्या मंदिर जो दे आपके बच्चों को सही दिशा। श्री हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर सुबह हनुमान मंदिरों में भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया गया। हनुमान जी का सुंदर श्रृंगार किया गया। दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में पहुंचे थे। आज प्रातः विला में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इसमें दुर्गा परसुत माता मंदिर में सवेरे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उनका अभिषेक किया गया। चोला चढ़ाया, उनको श्रृंगार किया, वस्त्र पूरे 56 भोग लगाए थे सवेरे। उसके बाद फिर महाप्रसादी का वितरण वहाँ चालू है, जो कि सवेरे 6 बजे से लगातार चल रहा है और शाम के 8 बजे तक लगातार चलेगा। नगर के पवनसुत हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन रोड पर सुबह 5 बजे भगवान श्री हनुमान जी की प्रतिमा का अभिषेक कर आरती की गई। सुबह से प्रसाद वितरित किया गया। इसी तरह बस स्टैंड पर स्थित हनुमान मंदिर में दोपहर को हनुमान जी का अभिषेक कर सुंदर वस्त्र धारण किए गए। यहां हर साल की तरह इस साल भी विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इसी तरह नगर के जलाराम वार्ड में स्थित श्री शिव हनुमान जी मंदिर में सुबह पूजा पाठ और हवन पूजन सम्पन्न हुआ। इस मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे भगवान शिव और हनुमान जी की प्रतिमा एक साथ विद्यमान है। जन्मोत्सव पर भक्तों द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया, साथ ही संध्या में प्रसाद वितरित किया गया। शिवलाल एवं ब्रिजलाल अग्रवाल परिवार द्वारा यह मंदिर की स्थापना की गई थी और इस मंदिर के पूर्व में पुजारी आदरणीय बद्रीनाथ जी महाराज पालीवाल जी इनके द्वारा होता था। उसके पश्चात उनका देहावसान हो गया और उसके बाद उनके सुपुत्र आदरणीय नंद किशोर जी पालीवाल यह मंदिर के पूजा व्यवस्था संभालते हैं। यह मंदिर आगामी 80 वर्ष पुराना है और यहाँ पर एमपी में ऐसे 3 मंदिर है जो शिव पंचायत में विराजमान है और ये 3 मंदिरों में से यह एक मंदिर है जिसमें आगामी 10 वर्ष पूर्व हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यह 11वां उस वर्ष है। विकास खंड में श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव सभी भक्तों ने पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया।